तो खबर ये सामने आई है कि डिफेंस में लड़की का छलांग लगाने का मामला सामने आ चुका है और लाहौर न्यूज़ ने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में लड़की अलीना को कॉफ़ी शॉप में बैठे देखा जा सकता है। अलीना कुर्सी से उठी और बलाए मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश की, जबकि पाँव फिसलने से अलीना नीचे गिर गई। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, इस वाक़े से मुतालिक आगाह करें। बिल्कुल, डिफेंस में लड़की ने इसमें मजीद जो हक आई के वो सामने आए हैं और जिसकी फुटेज जो है वो मंजरे यहाँ पर आ गई है। लड़की अलीना को काफी शॉप में बैठे फुटेज में देखा जा सकता है। अलीना कुर्सी से उठी है और बलाई मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश करती है। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि नीचे उतरते हुए पुरुषार्थ तौर पर उसका पाँव पिसा है और लड़की नीचे आकर गिरी है। नीचे गाड़ियों के ऊपर गिरने से जो है वो लड़की शरीर जख्मी हुई और शरीर जख्मी हालत में इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां इसका लड़की का जो इलाज है वो जारी है। इस वजह से इसका ये कहना है कि मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मुख्तलिफ पहले पर तफ्तीश की जा रही है कि लड़की जो है वो कैसे नीचे गिरी है और किस तरह से ये वाकया पेश आया है। कहां से कहना है कि सिस्टम फुटेज और जो कॉफी शॉप पर मौजूद जो मुलाजिम है और जो कॉफी शॉप का मालिक है उससे भी पूछताछ की जा रही है। तहम इसका ये कहना है कि विदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि लड़की ने जो है वो नशावर गोलियां खाई हुई थी और तहम जो गोलियां लड़की की जेब से मिली हैं, पर्स से मिली हैं, उसको जो अपनी से कहना है कब्जे में ले लिया गया, फॉरेंसिक लैब में भिजवाया जाएगा। मुख्तलिफ पहले पर तफ्तीश की जाएगी और तफ्तीश के बाद जो असला कायक है वो सामने आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको मुदस्सर।